अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा जो मज़मून है ये उर्दू है ना, जैसा आप जानते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इशार का जज्बा है ना जी, कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, फिर आज नया पैराग्राफ है। फिर यूं हुआ कि एक बाद दीगर इसके हाँ दो लड़के हुए, यानी क्या था, फिर ऐसे हुआ कि मतलब उसके वहाँ दो बच्चे उसने जन्म दिए है ना, जैन जिससे अब तक बेपनाह त्वचा हासिल थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बेत्वचे का शिकार होने लगा, क्योंकि अब उसको अपने बच्चे हो गए तो जैन की तरफ वो ज्यादा त्वचा नहीं देते थे ना। अदनान तो अब भी इससे पहले की तरह प्यार करता था, मगर उसके पास वक्त ही कितना था जो इसके साथ गुजारता, यानी कि अदनान जो था बाप है ना, वो तो पहले की तरह उससे प्यार, जैसे वो पहले प्यार करता था वैसे ही वो अभी प्यार कर रहा है ना। लेकिन वो बिजनेसमैन था है ना, बड़ा आदमी था, तो उसके पास कहाँ इतना वक्त होता था कि वो उसके साथ बैठा रहता दिन भर, कारोबार के बिखेड़ों में वो सारा दिन मसरूफ रहता, यानी कि बिखरा हुआ कारोबार है ना, यानी कि बहुत बड़ा कारोबार था उसका, तो वो सारा दिन अपने उसमें मशहूर रहता था ना। शीबा की त्वचा अब अपने बच्चों पर मरकूज थी, हाँ यानी शीबा जो थी उनकी माँ है ना, वो अब अपने बच्चों को ही देखती थी सिर्फ है ना, जैन के लिए अब उसके पास वक्त ना था। दूसरी तरफ जैन फितरतन इस कदर हसास था कि इससे ये तब्दीली बुरी तरह महसूस होने लगी, हाँ यानी कि जैन जो था अब उसको महसूस होने लगा कि भाई मेरी माँ और जो है ये मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करती है, अब उसको ये तब्दीली उसमें महसूस होने। अब वो कॉलेज तालब इलम नहीं था, खासा समझदार भी हो चुका था, पहले तो अपनी माँ के बताव में नमूदार होने वाली तब्दीली की वजह से इसकी समझ में ना आई, फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंचा तो उसे माँ बाप की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल गया, यानी पहले उसको पता नहीं चला कि भाई मेरी माँ जो है वो मुझसे प्यार नहीं करती है उसके ना, लेकिन एक दिन जब वो कॉलेज से आ रहा था तो उसकी माँ और बाप जो थे ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे ना, गालबन इसी के बारे में कर रहे होते, तो इसको मौका मिल गया बातें सुनने का कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या कह रही है ना, फिर उसको पता चला कि मेरी माँ जो है वो अब मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, जिससे उस पर ये राज फाश हो गया कि वो आज तक जिन्हें अपने वालदेन समझता रहा वो दरअसल महज इसके पालने वाले हैं, यानी कि पहले उसको ये पता नहीं था कि भाई जो लोग मुझे पा रहे हैं ये मेरे माँ बाप है ना, लेकिन जब उनकी बातें उन्होंने सुनी तो उसको ये पता चला कि भाई मैं तो इनका बेटा नहीं हूँ बल्कि ये मुझे खाली पा रहे हैं। इस इनकिशाफ से अगरचे से बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने इन पर यह जाहिर न होने दिया कि इसे हकीकत मालूम हो चुकी है, यानी कि उसको तकलीफ तो हुई, दुख पहुंचा उसको, लेकिन उसने उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मुझे इस चीज का पता चल चुका है कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वस्सलाम।